नमस्कार दोस्तों, जंगल ज्ञान YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसी बाघिन के बारे में जिसने एक मगरमच्छ को भी मार दिया था। तो उस बाघिन का नाम है मछली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे बाघ और बाघिन के बारे में चर्चाएं सुनी होंगी, पर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वह बाघिन सबसे हटके है। इस बाघिन ने एक बड़े विशाल मगरमच्छ को मार दिया था। इसका नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, मछली है। इस बहादुर बाघिन का जन्म 1997 में हुआ था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो बाघिन मछली की माँ थी उसके चेहरे पे मछली का सा निशान था, इसी कारण से बाघिन मछली को उसका नाम दिया गया। दोस्तों, साथ ही बाघिन मछली के नाम पर एक फेसबुक पेज भी था। इस सुंदर बाघिन ने 11 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 7 मादा और 4 नर थे। दोस्तों, इससे बाघिन के परिवार में बढ़ोतरी हुई और पार्क में जो 60% बाघ थे उसका संबंध कहीं ना कहीं मछली से ही था। दोस्तों, अपनी शक्ति के अनुसार इस बाघिन ने एक बार एक मगरमच्छ पर हमला कर दिया था। कहा जाता है कि वह मगरमच्छ बाघिन के बच्चे पे हमला कर रहा था, या फिर उसके बच्चे को उससे खतरा था। जो भी कारण हो, पर बाघिन मछली ने उस मगरमच्छ पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। परंतु इस लड़ाई में बाघिन के कुछ दांत भी टूट गए थे। यह बाघिन अपने शावकों को अन्य बड़े जीवों से बचाने के लिए काफी मशहूर थी, और साथ ही इस बाघिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। और दोस्तों, सरकार ने इस बाघिन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस बाघिन मछली को काफी टूरिस्ट देखने के लिए आते थे, जिसके कारण बहुत ही अच्छा बिजनेस भी होता था, जिससे कि काफी रुपए कमाए जाते थे। दुनिया में टाइगरों में सबसे अधिक जो फोटो खींची गई है वह इसी बाघिन मछली की खींची गई है। यह शक्तिशाली और सुंदर बाघिन 19 वर्ष तक जीवित रही थी, और लास्ट के समय में इसके जो शिकार करने वाले 4 दांत है वह टूट चुके थे। दोस्तों, नल्ला मुथु ने बाघिन मछली पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, और जो बाघिन मछली ने अंतिम सांस भी ली थी उसको भी नल्ला मुथु ने देखा था। 2016 में इस बाघिन ने अपनी अंतिम सांस ली थी दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।